क्लास सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर फोर एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन फर्स्ट। Draw a rough sketch of quadrilateral. Draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the points of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड, चार साइड हों जिसकी, ऐसा पी क्यू आर एस नाम रख दो उसका, पी क्यू आर एस। ड्रॉ इट्स डायगनल, डायगनल जो ऑपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करे, जैसे मैं साथ में आपको बना के दिखा देता हूं। क्वाड्रिलेटरल समझो हमने ये बना दिया इस तरह से, ये ऐसे, ये और ये, पी क्यू आर एस नाम रख दिया, पी क्यू आर और एस। तो हमने ड्रॉ कर दिया एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसके डायगनल ड्रॉ करने हैं। तो डायगनल मैंने बताया, डायगनल वो होते हैं जो हमने सामने के पॉइंट्स को ज्वाइन करे, जैसे पी को इसके सामने आर से ज्वाइन कर दे और एस को इसके सामने क्यू से, तो ये आपके क्या हैं, डायगनल है। तो इसने कहा ड्रॉ इट्स डायगनल्स, तो हमने डायगनल ड्रॉ कर दिए। नेम देम, डायगनल के नाम लिखो। तो डायगनल के नाम अलग हम अलग से लिख देते हैं, डायगनल्स। डायगनल्स आर, फर्स्ट आपका डायगनल है पी आर और सेकंड है एस क्यू। पी आर एंड एस क्यू दो डायगनल हो गए। फिर कहता है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल, डायगनल कहां मिल रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे यानी ओ पे। कह रहा है कि ये पॉइंट इज पहले आया, तो क्या क्या जो मीटिंग पॉइंट है डायगनल का इन दी, वो इंटीरियर अंदर है या बाहर है क्वाड्रिलेटरल के। तो देखो ये ओ इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या बाहर है, तो हम लिखेंगे द मीटिंग पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट पॉइंट ओ नाम भी दे दो, ओ ऑफ द डायगनल, ऑफ द डायगनल्स इज इन इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। ठीक है, यहीं पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड, draw a rough sketch of, draw a rough
स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट। सबसे पहले तो हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं KLMN, तो क्वाड्रिलेटरल इसने कहा उप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN, तो हम यहां पे ये KLM और N हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स की दो पेयर हमें बतानी है। देखना ध्यान से, एक पेयर तो हो जाएगी KL, और KL के अपोजिट क्या है NM, तो KL एंड NM ये ऑपोजिट साइड की वन पेयर है, और आपकी सेकंड पेयर हो जाएगी KN, और KN के अपोजिट है LM, तो KN एंड LM ऑपोजिट पेयर, पेयर मतलब जोड़ा यानी एक साइड के अपोजिट दूसरी साइड, ये दोनों साइड आपस में अपोजिट है तो ये एक पेयर होगी, फिर ये दोनों अपोजिट है तो ये एक पेयर होगी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसी में बी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स में हम ये नाम दे देंगे, एक एंगल ये है तो एंगल वन, इसके अपोजिट एंगल टू, तो एंगल वन का नाम क्या रखेंगे फर्स्ट पेयर में, वन का नाम जिस भी एंगल का नाम रखना है वो जो वर्टेक्स पॉइंट है वो बीच में लेते हैं, और बाकी जो साइड के पॉइंट है वो पहले और लास्ट में, तो ये बीच में आ जाएगा, ये पहले और ये लास्ट में, तो के एन एम एंगल, के एन एम एंड इसके अपोजिट ये है, फिर इस एंगल का जब नाम रखेंगे तो ये पॉइंट बीच में आएगा एल, तो के एल एम एंगल के एल एम, और सेकंड पेयर इसमें आ जाएगी आपकी ये वाला थर्ड और फोर्थ, ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, अभी जिस भी एंगल का नाम रखेंगे वो बीच में आएगा, के बीच में एक साइड, किसी एक साइड का एंड पॉइंट यानी एल, दूसरी साइड एन, एंड इसी तरह से इसका एन एम एल, एन एम एल, तो आप इसको एल एम एन भी लिख सकते हो, एन एम एल ये बीच में आना चाहिए, और दोनों जो साइड के पॉइंट है वो पहले और बाद में आना चाहिए, रूल आपका। तो ये आपके दो पेयर हो गए अपोजिट एंगल के। थर्ड क्वेश्चन इसी में वो कह रहा है सी पार्ट में, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट मतलब साथ, एडजेसेंट मतलब साथ वाली, तो साइड्स पहली पेयर में हम देखें कोई भी एक साइड का नाम लिख ले के एन, तो इसके साथ कौन सी साइड है एन एम है, के एन और एन एम ये दोनों एडजेसेंट साइड है। दूसरी पेयर में के एल और एल एम लिख लें, के एल और एल एम साथ वाली साइड, साथ वाली इन द सेंस एक पॉइंट पे कहीं वो दोनों मिलती हो, तो के एल और एल एम इस पॉइंट पे मिल रही हैं, के एन और एन एम इस पॉइंट पे मिल रही हैं। आप एन एम और एम एल भी एक पेयर लिख सकते हो, के एल और के एन भी एक पेयर लिख सकते हो, टोटल चार पेयर इसमें एडजेसेंट साइड की बनती है, इन्होंने दो पूछी हमने दोनों लिख दी है। डी आपका है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में वही बिल्कुल उसी तरह से साथ वाला एंगल,
जैसे इस एंगल के साथ में सबसे नजदीक कौन सा एंगल है, ये या फिर ये। तो आप अगर वन लिखोगे तो इसके साथ कोई भी एक दूसरा एंगल लिख दो तो वन पेयर हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या है, ये वाला एंगल। इसका नाम क्या है, के एन एम, एंगल के एन एम। और इसका एडजेसेंट एंगल इसके साथ में, ये सबसे नजदीक कौन सा एंगल इसके ऐसे जाएगा तो ये आ जाता है एन एम एल, एन एम एल। इसी तरह से दूसरा आप थ्री के साथ में टू है तो ये थ्री वाले का एल के एन, एल के एन। और टू वाले का के एल एम, के एल, के एल एम, एल के एन और के एल एम, ये दोनों एडजेसेंट है। हमने दो पेयर लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स के। क्वेश्चन थर्ड कहता है इन्वेस्टिगेट यूज स्ट्रिप एंड फास्टनर्स, फास्टनर यूज स्ट्रिप एंड फास्टनर्स to make a triangle and a quadrilateral. Try to push inward at any one vertex. Try to push inward at any one vertex of the triangle, of the triangle. Do the same to quadrilateral, do the same to the quadrilateral. Is the triangle distorted? Is the triangle distorted? Is the quadrilateral distorted? Is the quadrilateral distorted? Is the triangle rigid? Is the triangle rigid? ये कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। Why is that structure like electric towers? Why is it that structures like electric towers make use of triangular shapes and not quadrilateral? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा, देखना। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप ऐसी स्ट्रिप्स लो और इस तरह से ट्रायंगल बना लो, ये इस तरह से, ठीक है। और यहां पे इन्हें फास्टनर से फिक्स कर दो, फिक्स तीनों पॉइंट्स को। कह रहा है फिर किसी एक साइड को अंदर पुश करने की कोशिश करो, वर्टेक्स को अंदर पुश, जैसे ये कोना है इसको अंदर पुश करने की कोशिश करो। तो कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। किसी भी कोने को अंदर कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो इसने पहले तो क्या कहा है, यूज स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स और फास्टनर्स की हेल्प से एक ट्रायंगल बना लो और एक बना लो क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगल तीन साइड का, क्वाड्रिलेटरल चार साइड। पुश इनवर्ड, अंदर की तरफ पुश करो एनी वर्टेक्स, वर्टेक्स जो कॉर्नर पॉइंट है ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल को पुश करो। डू सेम विद द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के साथ भी ऐसा ही करो। Is the triangle distorted? No. इसका आंसर आएगा no. Triangle पे distorted नहीं होगा, triangle वैसा का वैसा रहेगा, triangle का कोई भी vertex अंदर की तरफ नहीं जाएगा। Is the quadrilateral distorted? अगर quadrilateral होता है, देखना तुम सिंपल एक
छोटा सा इस यहाँ पे हल्का सा अगर ऐसे आप करके देखोगे, ठीक है, इस तरह से, तो जब आप क्वाड्रिलेटरल के ये कॉर्नर को अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करोगे तो वो पुश हो जाएगा, उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अंदर पुश होने में। ट्रायंगुलर ट्रायंगल पुश नहीं होगा, तो ट्रायंगल ज्यादा स्ट्रोंग होगा, क्वाड्रिलेटरल इतना स्ट्रोंग आपका नहीं होगा। तो आप लिखोगे ओ, इस तरह से अगर हम ट्रायंगल में देखें तो कोई भी ट्रायंगल है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो ट्रायंगल क्या है, वो रिजिड है, क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, यस क्वाड्रिलेटरल में चेंज आ जाएगा। इज द ट्रायंगल रिजिड, पूछ रहा है कि ट्रायंगल रिजिड है, यस ट्रायंगल रिजिड है। व्हाई इज दैट स्ट्रक्चर, फिर पूछता लास्ट में, आपने इलेक्ट्रिक खंबे देखे होंगे जिनपे इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं दूर दूर तक, कुछ इस तरह से होते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे जो खेतों में भी लगे होते हैं, है ना, उनमें आप देखोगे ऐसे ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स ये सब बने होते हैं। तो कह रहा हूं वो ट्रायंगुलर शेप के क्यों बने होते हैं। व्हाई द स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप के क्यों, क्योंकि ट्रायंगल मजबूत है, रिजिड मतलब मजबूत, तो इसका लिख दो बिकॉज ट्रायंगल इज रिजिड दे। और कहता क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है, दे तो क्वाड्रिलेटरल इसने कि क्वाड्रिलेटरल रिजिड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूं साथ में कंप्लीट देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इज द ट्रायंगल डिसॉर्टेड, नो the triangle is not distorted, नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन है is the quadrilateral distorted, yes the quadrilateral is distorted, yes। फिर तीसरा क्वेश्चन है इज ट्रायंगल रिजिड, तो यस द ट्रायंगल इज रिजिड। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप, तो हम लिखेंगे इसमें द स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप सो दैट दे कुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, सो दैट दे कुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड एंड दे कुड बी रिजिड एंड दे कुड बी रिजिड, इसलिए ताकि वो डिस्टोर्ड ना हो, खराब ना हो, टूटे ना, मुड़े ना अंदर की तरफ, और वो मजबूती से खड़े रहे, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर है और यहां हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।